इस दुनिया में असहाय और बेसहारा व्यक्ति की मदद करना बहुत पुण्य का काम होता है। ऐसे पुण्य का काम किया है एक व्यक्ति ने जो एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के है, जो कोई उस दानदाता जिसने अपने जीवन भर की कमाई जरूरतमंदों की जिंदगी संवारने के लिए दान कर दी। हीरालाल नाम के बुजुर्ग ने जिले में एक प्रेरणादायी व्यक्ति के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी को 5,75,000 तथा 25,000 रुपये देकर रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थायी सदस्य बने गए हैं। गौरतलब है कि हीरालाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा के माध्यम से रेड क्रॉस सोसाइटी को कुल 6,00,000 रुपये दान किए हैं। वहीं दानदाता हीरालाल की पत्नी की मृत्यु 2003 में ही हो गई थी और 3 बेटों में से 2 बेटे की मृत्यु हो गई है। एक बेटे का अपने पिता से कोई संबंध नहीं है और हीरालाल ने जरूरतमंदों एवं गरीबों के स्वास्थ्य उपचार के लिए देने का निश्चय किया है। ये रामानुज अग्रवाल जी के सहयोग व मार्गदर्शन में हीरालाल मानिकपुरी जी के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए 5,75,000 और स्थायी सदस्यता के लिए 25,000 रुपया दी गई है। ये मनेंद्रगढ़ जैसे छोटी शहर के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को शायद इतनी बड़ी राशि पूरे राज्य भर में पहली बार किसी दानदाता द्वारा दिया गया है। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक गरीब आदमी हीरालाल, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तो मेरे यहाँ प्यून था और रिटायरमेंट होने के बाद मेरे पास ही रहता था, यही खाना वगैरह खाता था। तो जब इतना पैसा था तो मैंने बोला कि यार इसको ऐसे जगह पे खर्च किया जाए जिसका उपयोग हो सके। तो हीरालाल बिल्कुल एग्री किए और उन्होंने कहा कि जहाँ भी दान देना हो वहाँ पे करवा दीजिए। तो मंडल साहब मिले मेरे को,